हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और एक आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये ट्रिक जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम गाजर को पहले छील के साफ कर लेंगे और उन्हें कुछ 2 इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। मैंने कुछ इस तरह से गाजर के टुकड़ों को काटा है। अब इन्हें हम एक कुकर में डालेंगे, प्रेशर कुकर में। सारे गाजर को हम एक साथ प्रेशर कुकर में डाल देंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। गाजर जब पकेगा तो अपने आप इसमें पानी छोड़ेगा, तो हमारा गाजर उसी में पक जाएगा। अब इसमें चीनी हम डालेंगे। चीनी गाजर जितना मीठा हो उसके हिसाब से डालें। यहाँ हमारा गाजर बहुत मीठा है तो हमने चीनी थोड़ा कम डाला है। बाद में आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं गाजर को पकाते वक्त। अब हम प्रेशर कुकर को पैक करके गैस पर चढ़ा देंगे। सबसे पहले हम इसे सिम फ्लेम पर रखेंगे और 1 सीटी आ जाने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पकाएंगे। हमारा गाजर पक के इतना हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और इसमें पानी भी बहुत होगा तो आप उसे परेशान मत होइए। हम इसे स्पैचुला से ऐसे दबा दबा के गाजर को के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। इससे गाजर भूनने में थोड़ी आसानी होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने कैसे इसे चला के इस सारे गाजर को तोड़ दिया है आपस में। ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि बॉयल होने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इस गाजर को हम एक कढ़ाई में डालेंगे और उसे गैस पे भूनेंगे। फ्रेंड्स में इसको ऐसे भून के इसका पानी जब तक थोड़ा जल ना जाए, कम ना हो जाए, तब तक इसको हम ऐसे हाई फ्लेम पे भूनते रहेंगे। यहाँ देखिए आप फ्रेंड्स, मैंने 4 किलो गाजर का हलवा बनाया है तो मैंने थोड़ा थोड़ा बॉईल करके इसमें मिलाते गई हूँ मैं। तो अभी मैंने एक बार जितना गाजर को बॉईल किया था उतना मैंने इसमें ऐड ऑन किया है। अब फिर मैं सेकेंड ऐड ऑन करूँगी। ऐसे करके मैं बार बार इसमें डालती जा रही हूँ और इसे भूनती जा रही हूँ। इसे तब तक भूने जब तक इसका पानी पूरी तरीके से सूख ना जाए। ऐसे आप ऐसे दबा दबा के चेक कर सकते हैं स्पैचुला को गाजर में कि पानी कितना है, और उसके अकॉर्डिंग आप भूनते रहिए इसे अच्छी तरीके से। जितना गाजर अच्छा भुनेगा उतना ही आपका हलवा बहुत ही स्वादिष्ट होगा। और गाजर बहुत सॉफ्ट हो गया है यहाँ पे, तो बहुत ही टेक्सचर इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 1 स्पून घी ऐड किया है और इसको पूरे गाजर में मिला के इसको अच्छी तरीके से भूनते रहेंगे। फ्रेंड्स, गाजर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आप घी को ऐड करें। इसमें कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आपको घी बहुत पसंद है तो आप इसमें अच्छी मात्रा में ऐड करिए और गाजर को भूनिए। घी ऐड करने के बाद गाजर को लगातार चलाते रहिए और तब तक चलाते रहिए जब तक इसका पानी पूरी तरीके से सूख ना जाए। यहाँ देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से गाजर को भून लिया है। अब इसे पानी की मात्रा पहले से थोड़ी कम हो गई है, घी भी पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब पूरे गाजर में इसे मिलाएंगे और अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब यहाँ पे ये मैंने 1 स्पून इलायची पाउडर लिया है और इसको गाजर के हलवे में डाल के इसको मिलाएंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। तो इसे आप अभी मिलाएं या फिर गाजर लास्ट में गाजर का हलवा जब बन जाए तब भी आप मिला सकते हैं। इसे भी डालने के बाद गाजर के हलवे को अच्छी तरीके से भूनें। फ्रेंड्स, आप ज़रूर ध्यान रखें कि पानी इसका पूरा जल जाना चाहिए, क्योंकि पानी अगर रहेगा तो गाजर का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। सो आप इसे अच्छी तरीके से भूनें जब तक पानी जल ना जाए। गाजर रेडी होता है तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं। इसके लिए पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे और फिर घी जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड ऑन कर देंगे। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिया है और इसको लाइट ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे। ऐसा करने से ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट गाजर के हलवे में बहुत ही अच्छा आता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें फ्रेंड्स, कभी इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको हम ऐसे चला के भूनते रहेंगे लगातार। यहाँ देख रहे हैं ये भून चुका है, लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, ये रबड़ी है जो मैंने घर पर बनाई है, इसे हम गाजर के हलवे में डालेंगे। मैंने 3 किलो फुल मिल्क क्रीम की रबड़ी बनाई है। आइए अब इसे गाजर के हलवे में ऐड करते हैं। ये हमारा गाजर पूरी तरीके से भुन चुका है। अब इसमें हम यहाँ पर रबड़ी डाल रहे हैं। ये देखिए कितनी शानदार रबड़ी बनी है। फ्रेंड्स, ज़रूर घर पर बना के ही गाजर के हलवे में डालें, उसका टेस्ट ही अलग आता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।
अब इस रबड़ी को हम अच्छे से गाजर के हलवे में मिला देंगे। ये देखिए, इसको तब तक मिलाते रहें जब तक गाजर के हलवे में पूरी तरीके से रबड़ी मिल ना जाए। ये देखिए, ऐसे चलाते रहें इसको। ध्यान रहे फ्रेंड्स, नीचे पकड़ने ना पाए, इसके लिए आपको कंटिन्यू चलाते चलाते ही रहना पड़ेगा। ऐसे मिलाते रहें इसे। इसे मिलाने के बाद से इसे फिर से भूनते रहे जब तक रबड़ी का टेस्ट गाजर के हलवे में पूरी तरीके से ना आ जाए या गाजर अब्जॉर्ब न कर ले, तब तक इसे मिलाते ही रहे। जब ये पूरी तरीके से मिल जाएगा तो हलवे का कलर चेंज हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, मैंने अच्छी तरीके से रबड़ी को या मावे को गाजर में मिला लिया है और अच्छी तरीके से इसे भून दिया है। आप इसे फिर हाई फ्लेम करके अच्छे से भूनते रहिए फ्रेंड्स, इसे लगातार चलाते रहिए। फ्रेंड्स, हमारे गाजर का हलवा अमाउंट में थोड़ा ज़्यादा, इसलिए हम इलायची पाउडर थोड़ा और ऐड करेंगे इसके फ्रेगनेंस को और इन्हेंस करने के लिए। यहाँ हमने ऐड कर लिया, अब इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके रखा हुआ था। अब इसे अच्छी तरीके से गाजर के हलवे और को ड्राई फ्रूट्स में मिलाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, और इसे लगातार चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया है। आप इसे अच्छे से भून के पका लीजिएगा और देन गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा। हलवा बन के रेडी है और आइए हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, याद रहे, सर्दियों में गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आइए अब हम सर्व करते हैं इसे गर्मा गर्म। यहाँ मैंने सर्व किया गाजर का हलवा, आप देख सकते हैं, देखने में ही वाकई ये टेस्टी लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। फ्रेंड्स, आप खाइए और अपने रिव्यूज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए, और हमारा ये चैनल अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए, और हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।